कोरोना से लड़ने के बाद लाइफ को नॉर्मल पर लाने की कोशिश की जा रही है। इसके लिए लॉकडाउन के बाद अब अनलॉकडाउन शुरू कर दिया गया है, काम शुरू हो गया है, लेकिन कोरोना अभी भी खत्म नहीं हुआ है। और अगर बात करें बॉलीवुड इंडस्ट्री की, तो अब बॉलीवुड के एक बड़े सुपरस्टार के घर में कोरोना पहुंच चुका है। ये सुपरस्टार है आमिर खान। जी हाँ, आमिर खान ने हाल ही में सबको बताया कि किस तरह से उनके स्टाफ मेंबर्स में से काफी लोग जो है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। आमिर खान अपनी फैमिली के साथ बांद्रा के कार्टर रोड पर फ्रीडा अपार्टमेंट में रहते हैं। यहाँ पर आमिर खान के साथ उनकी वाइफ किरण राव, उनका बेटा आजाद, इसके अलावा उनकी मॉम भी उनके साथ ही रहती है। आमिर खान के 6 से 7 स्टाफ मेंबर्स जो है उनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिसके बाद उन सभी स्टाफ मेंबर्स को क्वारंटाइन में भेज दिया गया। इसके अलावा आमिर खान ने एक पोस्ट के थ्रू बीएमसी को थैंक्स कहा है कि बीएमसी ने उनकी पूरी सोसाइटी को सैनिटाइज किया। आमिर खान ने खुद का, अपनी वाइफ का और अपने बेटे का भी कोरोना टेस्ट करवा दिया, जिसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई। लेकिन अब आमिर खान को एक बात का डर है, वो डर है उनकी मॉम और उसकी रिपोर्ट का। जी हाँ, आमिर खान अपनी मॉम को लेकर काफी चिंतित है, क्योंकि उनकी एज भी है और कोरोना का ऐसा देखा गया है कि ज्यादा एज वालों को ये कोरोना जल्दी चपेट में ले लेता है। यही कारण है कि इस चिंता को जाहिर करते हुए आमिर खान ने लिखा है कि प्लीज प्रे कीजिएगा, मेरी मॉम को मैं टेस्ट के लिए ले जा रहा हूँ और आशा करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी मॉम का ये जो टेस्ट है ये नेगेटिव आए। तो कुछ इस तरह से आमिर खान के घर में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। इससे पहले करण जौहर के फैमिली में उनके स्टाफ मेंबर्स कुछ कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, साथ ही जानवी कपूर यानी कि बोनी कपूर के भी कुछ स्टाफ मेंबर्स थे जो कि पॉजिटिव पाए गए थे, लेकिन उनकी फैमिली में से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ था। उसके बावजूद वो 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में ही रहे थे। आमिर खान जहाँ रहते हैं उस जगह की अगर बात की जाए तो ये मुंबई के मेन एरिया में है, बहुत ही पॉश ये एरिया है, और इसी सेम बिल्डिंग में जैकी श्रॉफ भी रहते हैं। आमिर खान और जैकी श्रॉफ दोनों ही पड़ोसी है। आमिर खान के स्टाफ मेंबर्स को कोरोना हुआ है, इसका एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आमिर खान ने जारी किया है, जिसमें उन्होंने पूरी जानकारी दी है। इसके साथ ही इन्होंने कोकिला बेन हॉस्पिटल को भी थैंक्स कहा है अच्छे से केयर करने के लिए।